हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत समय बाद हम 10th का सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन कंप्लीट कर लिया होगा। अब पूरा कंसंट्रेट हम करेंगे फिजिक्स के सिलेबस पर। ज़्यादा बड़ा तो मैं कहूँगा नहीं, 5 चैप्टर इसमें इंक्लूड है आपके सिलेबस में। आज हम फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था बिफोर लॉकडाउन। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, चलिए आपका रिवीजन हो जाएगा और हमें तो करवाना ही है, तो कंप्लीट सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे। प्लीज़ 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 ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो यहाँ पे बनाने नहीं वाला हूँ। 10-10, 15-15 मिनट के पार्ट वाइज मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो देखने में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। सबसे पहले कॉमन डेफिनेशन आती है, आप मुझे बताइए कि लुमिनियस बॉडी किसे कहेंगे और नॉन लुमिनियस बॉडी किसे कहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है इसमें लुमिनियस बॉडी एंड नॉन लुमिनियस बॉडी, ठीक है। लुमिनियस बॉडी वो होती है जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, और ये डज नॉट प्रोड्यूस ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल। अगर आप देखोगे कि लुमिनियस बॉडी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका मैं बताता हूँ। जैसे कैंडल हो गया, सन हो गया, मून हो गया, इस तरीके से। और नॉन लुमिनियस बॉडी यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं आपके घर में, टेबल, चेयर, फैन, बेड, एनीथिंग, बैट, बॉल, ये सभी के सभी क्या हैं, नॉन लुमिनियस बॉडी है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये नॉन लुमिनियस है तो फिर ये हमें दिखाई क्यों देती है? तो बड़ा सिंपल सा रीजन है बच्चों इसका, कि एक कैंडल है, मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल बनाई मैंने, ठीक है, जैसी भी बनी है देख लेना, ओके। और यहाँ एक फैन लगा हुआ है, जो भी है ये एक फैन लगा हुआ है, और यहां हम खड़े हैं, हंस रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, स्कूल बंद है, आप लोग भी हंस रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे ना, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, ऐस कर रहे हैं अपने। तो चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। देखिए, कैंडल से लार्ज नंबर ऑफ रेज आज प्रोड्यूस, यहां से बहुत सारी ये लाइट आएंगी यहां पे, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द फैन, जब ये रे ऑफ लाइट फैन से स्ट्राइक करेगी, अब ये देखिए यहां से जो रे आएगी, मान लीजिए फैन के कुछ हिस्से पे ये रे स्ट्राइक करती है, और वो स्ट्राइक करवाने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, यानी हमारी आंखों में जो रेटिना होती है ना, जहां पर इमेज बनती है, वहां पर उस फैन के उस हिस्से की इमेज बन जाती है जहां पर कैंडल की लाइट टकरा के हमारी आंखों तक आई है। ऐसे ही बहुत सारी रेज यहां से निकलकर अलग अलग हिस्सों पे टकराती है और हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो हिस्सा हमें दिखाई देने लग जाता है। यानी रे ऑफ लाइट जिस भी हिस्से पर स्ट्राइक करके हमारी आंखों तक पहुंचेगी, वो हिस्सा हमें दिखाई देने लग जाएगा। इसी तरीके से हमें हर एक ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लुमिनियस होता है वो दिखाई देने लग जाता है, इस फेनोमिना की मदद से, इस प्रोसेस के जरिए। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो लुमिनियस और नॉन लुमिनियस यही होते हैं, जिसकी खुद की लाइट होती है वो लुमिनियस, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती वो नॉन लुमिनियस। अब आपका आता है लाइट क्या होती है। लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी,
विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, विजन मतलब होता है देखने की क्षमता, ठीक है। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है, एनर्जी की वो फॉर्म होती है, वो टाइप होता है एनर्जी का लाइट, जो कि किसी भी चीज को देखने की क्षमता प्रदान करता है हमें, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है लाइट के कुछ एक फैक्ट्स की, हालांकि उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक्स आने वाले हैं अभी इसी चैप्टर में, तो वहाँ पे हम देख लेंगे ये क्या है। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज ए लाइन, बट अगर मैं यहाँ पे एक एरो का साइन लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाती है, रे ऑफ लाइट। क्या बन जाता है ये, रे ऑफ लाइट। अगर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं या बहुत सारी रेज एक साथ आ रही है तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, क्लियर है। अगर एक पॉइंट से बहुत सारी रेज आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट रे, ठीक है। और अगर बहुत सारी रे, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये होती है बच्चों डाइवर्जेंट। क्या होती है, डाइवर्जेंट रे। जब एक पॉइंट से रेज ऐसे एक्सपेंड होती है ना, जैसे आप बाइक चला रहे हो तो रात को अगर बाइक चलाते हो तो वहां पे जब आप लाइट ऑन करते हो तो आपके बाइक की हेडलाइट में से जो रेज ऑफ लाइट निकलती है वो पूरे रोड को कवर कर जाती है, पूरे रोड पे फैल जाती है। तो बाहर की तरफ निकलना आउटवर्ड डायरेक्शन में कहलाता है वो डाइवर्जेंट रे। और अगर बहुत सारी रेज बाहर से आके एक ही कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती है ना, लाइक दिस, ऐसे रेज आई अलग अलग डायरेक्शन से और एक ही पॉइंट पर अगर मिलती है तो उनको बोला जाता है कन्वर्जेंट रे, कन्वर्जेंट रे। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ एक फैक्ट्स और मैं आपको बता देने वाला हूँ, यहाँ पे हम बहुत ही डीपली स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ की, मैं ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है आपका। इसमें हम आगे लाते हैं कि मान लीजिए अगर कोई लाइट एक सरफेस से स्ट्राइक करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, गुजरती है, तो या तो लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्व किया जा सकता है, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। एक बार फिर से देखते हैं कि अगर वह रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट पास आउट करती है तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, एब्जॉर्व भी हो सकता है और ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसा सरफेस जो पॉलिश्ड हो, पॉलिश्ड सरफेस जो होता है वो एक तरीके से गुड रिफ्लेक्टर कहलाता है। ये मतलब अगर रे ऑफ लाइट इससे स्ट्राइक करेगी, पॉलिश सरफेस, हाईली पॉलिश सरफेस, तो उस पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करवाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी इसके दूसरी तरफ नहीं गुजरेगी, ठीक है। चलिए लेकिन जो हिस्सा एक आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से आर पार दिखाई देता है, उसमें से अगर रे ऑफ लाइट गुजरेगी तो दूसरे हिस्से की तरफ यानी दूसरी तरफ आराम से आ जा सकती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आराम से आ जा सकती है। तो ट्रांसपेरेंट को बोला जाता है गुड ट्रांसमीटर, गुड ट्रांसमीटर। तो ये कॉमन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। घर में आपने ड्रेसिंग देखा होगा जिसमें आप रोज़ अपना चेहरा देखते हैं, नहा धो के मेकअप करते हैं, उसके दूसरी साइड अपोजिट साइड एक हाईली पॉलिश सरफेस होता है, ब्लैक कलर का, रेड कलर का या सिल्वर कलर का, तो वो है गुड रिफ्लेक्टर होता है आपका। और ऐसा सरफेस जैसे कोई शीशा ले लिया, उसमें से लाइट या धूप या कोई भी रोशनी आर पार गुजर जाती है इजली, तो उसको हम बोलते हैं गुड ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट कर गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में।
और लेकिन पॉली सरफेस है तो वो आर पार नहीं गुजरेगा, वो गुड रिफ्लेक्टर के तरह से काम करेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10^5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी तकरीबन कह सकते हो कि कितना हो गया ये, 3 लाख, है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उससे भी कहीं ज्यादा ये तेज होती है। क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, ओके। अब मैं आपको करवाता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कई टीचर तो यहीं से शुरुआत करवाते हैं चैप्टर की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एनसीईआरटी में यहीं से शुरुआत है इस चैप्टर की, रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम आपको बताते हैं यहाँ पे। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि एक प्लेन ग्लास सीट है, एक प्लेन ग्लास सीट है जिसकी एक साइड हमने सिल्वर कोटेड, सिल्वर मेटल की कोटेड कर रखी है, ठीक है। यानी मैं लिखूं अगर ए प्लेन मिरर, ए प्लेन ग्लास सीट, ए प्लेन ग्लास सीट, वन साइड ऑफ विच इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल इज कॉल्ड मिरर। मिरर जो ड्रेसिंग का शीशा होता है वो भी एक मिरर का काम करता है। तो ऐसी कोई भी प्लेन सीट, मान लीजिए ये एक सीट है, इसके एक तरफ पॉलिश कर दी हमने सिल्वर मेटल की, सिल्वर मेटल की पॉलिश कर दी, तो इसको हम बोलेंगे मिरर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिल्वर मेटल की ही कोटेड क्यों की जाती है, सिल्वर मेटल की ही लेयर पेंट क्यों की जाती है। क्योंकि सिल्वर मेटल एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट का है, तो आप बताओगे सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। देखिए अब आता है हमारा, अब मैं एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन होता क्या है उसके बारे में बताऊंगा। मान लीजिए ये कोई भी एक सरफेस है, इसके एक साइड हमने सिल्वर कोटेड कर रखी है। जरूरी नहीं है कि, कंपलसरी नहीं है कि सिल्वर की ही आप कोटेड करो, ठीक है। कभी कभी रेड पेंट की भी कोटेड की जा सकती है, ठीक है। सिल्वर तो मैंने बेस्ट बताया है, लेकिन कुछ हल्के भी होते हैं, ठीक है। जैसे रेड कलर की भी कोटेड कर देते हैं, ब्लैक कलर की भी आपने देखी होगी, ठीक है। तो एक साइड हमने ये कोटेड कर दी, ये जो मैंने इस तरीके से रेज बनाई है ना, ये जो लाइन से ड्रॉ की है, इसको बोला जाता है पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोला जाता है? पॉलिश्ड सरफेस। और इसके जो अपोजिट साइड जो होता है ना लाइक दिस, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो रे ऑफ लाइट यानी लाइट कहाँ से आएगी? हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ से लाइट आएगी। मान लीजिए यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, इस सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद यहां पे क्या होता है कि एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल मतलब एक 90 डिग्री ड्रॉ किया जाता है, और इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको बोला जाता है, देखिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना 90 डिग्री, इसको बोला जाता है नॉर्मल, 90 डिग्री नॉर्मल। अब देखिए ये जो एंगल है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो
तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जितने एंगल से ये रे ऑफ लाइट यहाँ मिरर पे स्ट्राइक की है, इस सरफेस पे स्ट्राइक की है, उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इस साइड, यानी ये, और ये वाली रे क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी यहां से? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा आपको। कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने लाइट के बारे में बताया, ठीक है, लुमिनियस नॉन लुमिनियस के बारे में बताया, मिरर के बारे में बताया कि एक साइड पॉलिश होता है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है लाइट इस तरीके का, और रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली में होता क्या है उसके बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स करेंगे और इसके लॉज करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।